गर्भ संस्कार के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं होती रहती है और गर्भ संस्कार ये टॉपिक बहुत उसकी चर्चा होने के बाद में उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहती है। सवाल ये होता है कि गर्भ संस्कार ये साइंटिफिक है कि नहीं है। गर्भ में यदि शिशु है तो उसके ऊपर संस्कार कैसे हो सकते हैं, ये थोड़ा सा विचार करने योग्य टॉपिक है। जो गर्भ बाहर मतलब जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ जो गर्भ में है वो कैसा सुन सकेगा, वो क्या सुन सकेगा जिसको लैंग्वेज ही तैयार नहीं हुई है। क्योंकि लैंग्वेज तैयार कब होती है, भाषा, बच्चा भाषा का बोलने लगता है 1.5 साल के बाद में, थोड़ी थोड़ी भाषा उसको आने लगती है, थोड़ा थोड़ा बोलना चालू कर देता है, उसको बोलना समझता है। जब भाषा ही नहीं है तो हम गर्भ के ऊपर संस्कार कैसे कर पाएंगे, इसलिए मैं गर्भवती संस्कार यह एक सीरीज चलाने वाला हूँ कि गर्भवती माँ के ऊपर हम संस्कार करते हैं और गर्भवती माँ की मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत बढ़िया रहती है तो डेफिनेटली फिर बच्चा अच्छा तैयार हो जाएगा। क्योंकि उसको स्पेस मिलेगी कि वो स्पेस में उसकी फिजिकल शारीरिक तथा मानसिक ग्रोथ अच्छी हो सकती है, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। मगर माँ के ऊपर हम कुछ संस्कार करते हैं और बच्चा सुन लेगा, वो जो है महाभारत का कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से चक्रव्यूह तोड़ना आता था क्योंकि जब वो माँ की पेट में था तब वो सुन रहा था कि चक्रव्यूह से भेद, चक्रव्यूह का भेद कैसा किया जाए और वहाँ से कैसा बाहर आना चाहिए, तो वहाँ से हम कथाएँ दंत कथाएँ सुनते आ रही है। माँ के पेट में गर्भ में बच्चा कुछ ना सुन सकता है ना समझ सकता है। बेसिकली ये माँ के ऊपर संस्कार करना है, माँ की स्थिति ठीक करना है। माँ यदि ठीक रहेंगे तो बच्चा आप ही आप ठीक हो जाएगा। माँ को ठीक करने से बच्चा ठीक होगा। हम बच्चे से ना डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना बच्चे के ऊपर संस्कार कर सकते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गर्भ संस्कार जो है यह शब्द ही गलत है। गर्भ के ऊपर संस्कार नहीं हो सकते, हम गर्भवती संस्कार बोल सकते हैं कि हम गर्भवती को संस्कार करेंगे और वो करेंगे तो डेफिनेटली सब अच्छा हो जाएगा, बच्चा भी अच्छा तैयार हो जाएगा। तो मैं जब बच्चा बोलता हूँ तो बच्चा और बच्ची इसका अर्थ आपने समझ लेना है कि मैं जब बच्चा मतलब बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटा, इसमें बच्चा जब बोलता हूँ तो बच्चा और बच्ची, बेटा और बेटी दोनों भी इसमें इंक्लूड है। मैं हर बार दोनों नहीं बोल सकता हूँ। मैं इसमें ऐसी सीरीज चलाऊँगा कि जिसमें गर्भवती संस्कार कैसे करना चाहिए और वो करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो बच्चा अच्छा पैदा होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच।